हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऐसे लोगों के बारे में जो खुद की जिंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी ऐसे ही डीमोटिवेट करते रहते हैं और अपने आसपास ऐसा वातावरण फैलाते रहते हैं कि लोगों को और डिप्रेशन में डालते हैं, और अपनी जिंदगी तो वो बर्बाद कर ही रहे हैं, लोगों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। उन लोगों में ऐसी क्या आदतें हैं जो आज मैं आपको बताऊँगा, तो ऐसे लोगों से आप दूर ही रहें। आप दूर रहोगे तो आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अगर ऐसे लोगों के अगर आप साथ रहे तो आप हमेशा डीमोटिवेशन में और हमेशा दुखी से घिरे रहोगे। तो ऐसी क्या ऐसी आदतें होती है जो अपनी ज़िंदगी बैठे बैठे बर्बाद करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आपको नंबर वन, हर बात को काटना और नकारात्मकता फैलाना। कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात में काटना होता है। आप कुछ अच्छी बात बता रहे हो तो आपको बीच में टोकेंगे। अगर आप उसको कहते हो कि तेरे को ये काम करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो उस काम में कहीं ना कहीं वो नकारात्मक निकलेगा। नहीं यार, इस काम में ऐसा नहीं हो सकता, इस काम में वो कभी आपसे पॉजिटिविटी की बात नहीं करेगा। उसके मन में ही नकारात्मकता भरी हुई है, तो वो आपसे पॉजिटिव की बात कैसे करेगा। वो हमेशा अपने अंदर उसने नकारात्मकता भर ली है। उससे आप जब भी बात करोगे हमेशा नकारात्मकता ही बात करेगा और आपकी बात काटेगा। ऐसे लोग अपनी तो जिंदगी बर्बाद करते ही हैं, साथ में लोगों की भी बर्बाद करते हैं और अपना समय वेस्ट करते रहते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहें। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आमदनी तो बहुत ही कम होती है लेकिन खर्चा करते हैं रुपया जितना, लाखों रुपए खर्च कर लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि अपनी आमदनी कितनी है। जब आपके पास पर्याप्त इनकम ना हो तो आप इतने खर्चे कभी ना करें, अपने खर्चे तुरंत कंट्रोल कर लें। लेकिन बहुत से जनों की आदत क्या होती है, अरे नहीं यार आगे मैनेज कर लेंगे, इन फ्यूचर में मैनेज कर लेंगे, तब हमारे पास इतने पैसे होंगे। अरे यार जब होंगे तब होंगे, लेकिन अब नहीं होंगे तो आप क्या करोगे। आप मुसीबत में फंस सकते हो जब उस वक्त जब आपके पास पैसों की व्यवस्था नहीं होती है, तो फिर आप क्या करोगे, अपनी उधारी कैसे चुकाओगे आप। उस वक्त वो इंसान फंस जाता है। इसीलिए वो उनके पास इनकम तो बहुत कम होती है लेकिन खर्चा लाखों रुपए कर लेते हैं और अंत में क्या होते हैं, हम अंत में अपनी जिंदगी बर्बाद ही करते हैं। थर्ड, दूसरों को देखकर जीना। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों को देखकर जीते हैं और दूसरों को देखकर जलते रहते हैं। ऐसे बहुत से लोगों की आदत होती है, अरे यार आज वो कर रहा है, आज वो ये गाड़ी ले आया, अरे आज वो ये ले आया, आज वो घर में एसी ले आया, फ्रिज ले आया। अरे यार उनके वो इनकम है, उनके वो कर रहे हैं, आपको क्या। आप अपनी ज़िंदगी देखिए, आप अपने बारे में सोचिए आपको क्या करना है। और बहुत से जने तो ऐसे ही करते हैं, उसको देख देख के भी जलते रहते हैं कि उसके ऐसा कैसा हो गया, उसके कैसा हो गया। वो ऐसे करने से उनके सामने वालों को तो कुछ नहीं होगा लेकिन उनकी खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। खुद अंदर ही अंदर से दुखी होते हैं कि यार काश हमारे पास भी होता, काश हम भी ऐसे हो पाते। अरे यार आप भी तो मेहनत करिए ना, आप भी तो उस मुकाम पे पहुंचिए जिस मुकाम पे वो सामने वाला पहुंचा है। तो आप अपने आप से अंदर जलन क्यों रखते हो, आप भी तो मोटिवेट होइए। लेकिन नहीं, वो बस जलते रहते हैं और बस उनके बुरे ही करते रहते हैं। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में अपनी सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। फोर्थ, बुरी संगत को न छोड़ना। ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा बुरी संगत से घिरे रहते हैं। हमेशा वो खुद तो नकारात्मक होते हैं और हमेशा नकारात्मक लोगों के साथ ही रहते हैं, कभी पॉजिटिव लोगों के साथ में नहीं रहते। हाँ, खुद में कितनी बुरी आदत होगी, वो हमेशा बुरी आदत वालों के रहेंगे, कभी अच्छे आदत वालों के पास नहीं रहेंगे। क्यों, क्योंकि उनके मन में ही नकारात्मकता भरी है। और अगर अच्छे लोगों के साथ में रहेंगे तो अच्छे लोग अच्छी बात करेंगे तो उनको पसंद ही नहीं आती है, वो तो हमेशा बुरी संगत में ही रहे हुए हैं, तो हमेशा वो बुरी संगत में घिरे रहते हैं और अपनी ज़िंदगी हमेशा बर्बाद कर रहे हैं। फिफ्थ, अहंकार और क्रोध में घिरे रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो अहंकार, एक छोटा सा भी अगर कुछ बात हो जाए तो हमेशा अपने आप में अहंकार रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और छोटी छोटी बातों पर क्रोध करते हैं। तो ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे उनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ बर्बाद होती है। अरे यार अहंकार और क्रोध किस काम का है, ये अहंकार और ये क्रोध सब यहीं रह जाएगा, कहीं साथ में आने वाला नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी में विनम्रता लाइए। जिस इंसान के जीवन में अगर विनम्रता है तो वो इंसान ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ता है। बिना विनम्रता वाला इंसान कुछ भी नहीं करता है। एक किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को देख लो, हमेशा उसमें विनम्रता कूट कूट के भरी हुई, कभी वो क्रोध नहीं करता है, कभी वो अहंकार नहीं करता है किसी चीज़ में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि हमेशा अपने जीवन में अहंकार और क्रोध लाते हैं और अपना जीवन बर्बाद करते हैं। तो आज मैंने बताई ये 5 आदतें, अगर आपके अंदर भी हो तो निकाल देना। इससे कुछ नहीं होगा, आपकी ज़िंदगी बर्बाद होगी और कुछ नहीं, दूसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा और आप हमेशा ज़िंदगी में पीछे रहेंगे। तो हमेशा अपने जीवन में अच्छी आदतें लाएं और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ देखिए मेरे वीडियो, और मेरे वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें।